मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में कोविड 19 की समीक्षा बैठक सोमवार को आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि रैपिड रिस्पांस टीम की रिपोर्ट के अनुसार जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने योग्य नहीं है, उन्हें तत्काल L1, L2 या L3 कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जाए तथा कोरोना वार्ड में बुजुर्ग मरीजों के बेहतर उपचार की व्यवस्था की जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना जाँच किए जाने के निर्देश दिए, साथ ही पॉजिटिव मरीजों के खून एक्सरे की जाँच की व्यवस्था भी की जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के लिए अधिक से अधिक जांच शिविर लगाया जाए। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जे पी मणि त्रिपाठी सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हमने सर 27 टेस्ट पॉजिटिव आए थे सर, उसमें से 12 का सैंपल भेजा था कि मुझे प्राप्त हो जाएगा सर। एक चीज हम बहुत इम्पोर्टेंट सर बात ये है कि जितने भी पेशेंट्स के जो हाई रिस्क है ब्लड रिपोर्ट के आधार पर सर, सबका सर लिम्फोसाइट काउंट लो है, ब्लड शुगर ज़्यादातर का असर हाई है और ये सर हम DLC और ब्लड शुगर आसानी से कर सकते हैं अपने DLC पे और ये हम आसानी से कर लेंगे सर। तो अगर जिसका लिम्फोसाइट काउंट एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट 1000 से कम हो जाए ग्रामीण क्षेत्र में सर शुरू कर सकते हैं। ठीक हो जाना, अगर सब सही रहेगा तो आप वापस भी आ सकते हो। ये है डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर साहब समझ रहे हैं ना, डॉक्टर आसान हो जाएगा और उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं तो एडीएम के साथ बैठे हुए हैं एडीएम व्यापार आपके राइट साइड सर। वो जो पिछले दिन उन सभी लोगों को जिनका हाई रिस्क है वो आप अपने हिसाब से आपने 40+ और वो आपने की देखते हुए आपने या सारी एलआई के लक्षण हैं उनको देखते हुए करवा दें, उनका ब्लड सैंपल आप देख के उसको रखेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में हमने नहीं शुरू किया था लेकिन अब आप ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू करें तो हम लोगों ने प्लान कर लिया है।